हाँ जी दोस्तों, जिवें कि आपां जाणदे हां कि अपने जिहड़े चंडीगढ़ पुलिस दे विच कॉन्सटेबल दी भर्ती आई आ, आपां नूं पता जिहड़ा चंडीगढ़ वाला एरिया उह बहुत वधिया एरिया मन्नया जांदा गा, ते जिहड़ी कॉन्सटेबल दी जदों आपणे उत्थे सिलेक्शन भी होगी तां जिहड़ा आपां नूं एरिया गा सिर्फ उह चंडीगढ़ वाला ही मिलेगा। तां करके आपां इह कह सकदे हां कि जे आपां पंजाब पुलिस दे नाल कंपेयर करदे हां तां चंडीगढ़ दी जिहड़ी कॉन्सटेबल दी पोस्ट हुंदी आ बहुत वधिया पोस्ट आ। ते उहदे विच जदों आपां सिलेबस देखिआ उहदे विच आपां नूं जिहड़ा मैथ दा पार्ट आ उह काफ़ी ज़्यादा मिलिआ। मैथ दे आपां नूं 35 क्वेश्चन आउणगे, ते जिहड़ा मैथ दा लैवल होगा उह ठीक ठाक होगा, पर इह आ कि आपणे अटैम्प्ट वी वधिया होणी चाहीदी आ, ते मैथ दे विचों जिहड़े आपणे सम आ उह बहुत ज़्यादा सही होणे चाहीदे आ। हुण आपां स्टार्ट करांगे, जिहड़ा आपणा इह मॉक टेस्ट आ इह बिल्कुल उस तर्हां दा ही है जिस तर्हां दा आपणा कॉन्सटेबल दा चंडीगढ़ पुलिस दे विच पेपर आऊगा। ते देखो आपां स्टार्ट करदे हां, जिहड़ा आपणा पहला क्वेश्चन आ बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन है, कहदे विचों है लाभ हानि दे विचों लिता गया क्वेश्चन आ। की कह रहे ने कि कहिंदे जेकर कोई आदमी एक घड़ी नूं किन्नी दी बेचदा गा, 495 रुपयां दी बेचदा गा, तां उहनूं 10% हानि हुंदी आ, तां उसदा जिहड़ी घड़ी आ उहदा कॉस्ट मुल मतलब उहदा खरीद मुल किन्ना होगा, इह पुछ रहे ने। इस तर्हां दे ही आपां नूं जिहड़े पेपर दे विच आ सवाल देखण नूं मिलणगे। कोशिश आपां इह करनी आ कि अगर आपणे 35 क्वेश्चन आउणगे तां आपणे 35 दे 35 क्वेश्चन ही सही होणे चाहीदे ने। उह सही तद होणगे, मैं अपनी की होगी जिहड़ी मॉक टेस्ट आ उह डेली अपनी क्लास पाऊगी, जिहदे विच आपां चंडीगढ़ पुलिस दे जिहड़े मैथ दे आ उह सवाल डिस्कस करांगे। तुसीं मेरे नाल डेली क्लास दे विच जुड़े रहना गा, ते आपां स्टार्ट कर दे। देखो जी, पहले क्वेश्चन दे विच इन्हां ने ये गल कही आ कि जेकर आपां उहनूं जिहड़ी अपनी वाच आ, ठीक है जी, उहनूं बेच रहे हाँ, आपां किन्ने दी बेच रहे हाँ जी, 495 रुपए की बेच रहे हाँ। जो आपां उहनूं 495 रुपए की बेच रहे हाँ, आपां नूं हानि हो रही आ, किन्नी हानि हो रही है जी, 10%, ठीक है जी। जद भी आपां लाभ हानि का टॉपिक करना गा, जो आपां डिटेल च करांगे, जिवें आपां ऑफलाइन क्लासेस दे विच कराउने आ, उहदे विच आपां नूं इक मेन कंसैप्ट आपां पहलां समझाउणे आ कि जिहड़ा आपणा खरीद मुल हुंदा उह हमेशा आपणा किन्ना हुंदा जी, 100%। खरीद मुल किन्ना हुंदा जी, आपणा 100%। जेकर आपां नूं लाभ हो जांदा तां आपां 19% जोड़ दिंदे आ, जे आपां नूं हानि हुंदी आ तां आपां 19% घटा दिंदे आ। जिवें आपणा पहला सवाल आ उहदे विच की होया गा, उहने 495 दा जदों बेचिआ उहनूं 10% की हुई आ, हानि हुई आ। इहदा मतलब 100% दी चीज़ जिहड़ी उहने खरीदी सी उह किन्ने दी बेचती, उहने 90% ते बेचती, क्योंकि 10% दी उहनूं हानि हुई आ। हुण जिहड़ी 90% सी आपणा किहदे बराबर होऊगा, आपां कहांगे कि जिहड़ा आपणा 90% आ वो किदे बराबर है जी, 495 दे बराबर। एक किदे बराबर है, 495/90, ठीक है जी। अपना खरीद मुल देखना भी, आप घड़ी खरीद के किन्ने की लैके आती है, गुणा आप 100 करना गा। हुण जीरो दे नाल जीरो कट्टांगे, एक नाया नाया, 5 नाया 45 हुंदा गा, 4 5 नाया 45, तां आपां नूं जो 10 नाल गुणा करांगे तां आंसर किन्ना आऊगा, 550 अपना आंसर आऊगा, ठीक है जी। 550 अपना बी वाला आंसर आऊगा। समझ आया अपना जिहड़ा आंसर आऊगा किन्ना आऊगा, 550 किहड़ा आऊगा, बी वाला आंसर आऊगा, ठीक है जी। आपां इस तरह सवाल नूं करांगे। उस तो बाद आपां अगले सवाल की गल करते हैं जी। देखो दूसरा सवाल बिल्कुल सिंपल ही सवाल है, इस तरह के ही आपको पेपर के देखने को मिलेंगे कि एक जमात में कुल कितने विद्यार्थी ने, 95। एक जमात के विद्यार्थी कितने ने जी, 95। उन्होंने की आ 45 जमात के लड़कियां ने, तो मुंडियां की कुल संख्या तो लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात पता करना गा, ठीक है जी। आप हम देखो जमात आ, जमात के किन्ने विद्यार्थी ने टोटल, आप कहे अपने को किन्ने ने जी, 95। विद्यार्थी किन्ने ने जी अपने कोले, 95। उन्हां दे विच्चों की कह रहे ने अपने कोले जिहड़ियां कुड़ियां दी गिनती आ उह किन्नी दी आ, 45, ठीक है जी। हुण जे टोटल 95 ने, उन्हां दे विच्चों कुड़ियां 45 ने, तां मुंडियां दी गिनती किन्नी रह गई, आपां कहांगे जी 95 दे विच्चों 45 नूं माइनस कर दांगे। अगर माइनस करांगे तां अपने कोल किन्ना आ गया जी, 50। तां मुंडियां दी गिनती किन्नी आ गई, 50, ठीक है जी। इत्थों आपां नूं पता लग गया कि जिहड़ी कुड़ियां की गिनती आ उह किन्नी आ, 45, जिहड़ी मुंडियां की गिनती आ उह किन्नी आ, 50। हुण आपां गल करदे आ अनुपात, अनुपात आपां किवें करदे आ जी। देखो दोवां दी आपां नूं गिनती पता गई, आपां सेम टेबल ते हरेक जिहड़े टेबल ते आपां 45 नूं कट्टना उस टेबल ते आपां 50 नूं कट्टना, आपां इक्को ही टेबल ते कट्टना शुरू करदे आ। देखो इहनूं कट्टदे आ आपां, 5 ते किन्ना आया, 9, इहनूं कट्टांगे 5 ते किन्ना आ गया, 10। उस तों बाद की है, नहीं कट्टे जांदे, अनुपात अपने कोल की हुंदा, 2 नंबर 3 नंबर, उन्हां दे विच जिहड़ा छोटे तो छोटा रिलेशन हुंदा उही अपने कोल अनुपात हुंदा। तां हुण जिहड़ा अपना अनुपात आऊगा किन्ना आऊगा, 9 10 आऊगा, ठीक है। जिहड़ा अपना अनुपात आऊगा 9 10 आऊगा, थोड़ा ध्यान रखना। देखो पुछिया किन्ना गा कुड़ियां दी, पुछिया अच्छा पहला किन्ना दी गल कीती आ, देखो ध्यान रखना गा
कि द रेशो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज, मूहरे कि पूछा गया बॉयज, बॉयज किन्ने से 50, यह मतलब मूहरे बॉयज का देखना गा अपने को 10:9 आऊगा, तो जोड़ा आंसर आऊगा वो सी वाला आऊगा। यह भी ध्यान रखना कि पहला पूछते कि दे कि मुंडिया का अनुपात पूछते कि कुड़िया का अनुपात पूछते, आपू हमेशा ही पेपर के इस तरह ही होंगे 9, 10 ते 10, 9 दिता होगा, तो देखना गा भी पूछते कि दे अपना आंसर की आऊगा सी वाला आऊगा। ठीक है जी, उस तो बाद आप अगले सवाल की गल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये बिल्कुल सिंपल सवाल आ, उस अनुपात तो ही लेता गया गा, कहा गया कि दो नंबर का जो अनुपात अपने को कि गा 20 ते 39, दो नंबर का जो अनुपात है वह कि एक 20 आ दूजा कि 39, आप कह सकते हैं कि जी ठीक है जी, आप कह सकते हैं 20, दूसरा कि जी अपने को 39। उस तो बाद क्या गा कि सम सम का मतलब की होंगे जोड़, कहते अगर आप दोनों नंबर जोड़िए तो जोड़ के अपने को बराबर आऊगा वो आपको आऊगा 295 के बराबर, जेकर आप जोड़ते हैं तो कि आता गा 295 के बराबर। उस तो बाद पूछ रहे हैं कि नंबर किन्ने किन्ने होंगे, हुण देखो अगर दोवें नंबरों आप जोड़ते हैं तो अपने को बराबर आता 295 के बराबर, अगर आप दोनों अनुपात दिते किन्ने अनुपात दिते 20:39, यदा मतलब यह कि एक को हिस्सा किन्ना गा 20 हिस्से, दूजे को किन्ने ने 39 हिस्से, अगर आप दोवों जोड़िए दोवों जोड़ते हैं तो अपने को किन्ना बनता गा, आप कह सकते 39 दे आप 20 जोड़िया गा कि आ गया 9 तो कि आ गया 69, तो अपने को जो जोड़ा कि बराबर आ गया 69, आप कह सकते हैं जो अपने को 69 हिस्से ने वो कि बराबर ने, वो है ने अपने को 295 के बराबर, एक हिस्सा कि बराबर आऊगा आप कहे 295/ कि आ गया 69। हुण देखो आप कैंसल करके देखेंगे कि टेबल से अगर 5 से देखिए आप 69 5 ना गुणा करते कि आ गया 45, तो कि आ गया अपने को 39, ये किन्ने के कैंसल होंगे 5 से, एक हिस्सा कि बराबर है जी 5 के बराबर आ गया, तो 20 हिस्से एक हिस्सा 5 के बराबर तो कि होगा जी 100, एक हिस्सा कि बराबर 5 के बराबर गुणा करा 9 × 45, उस तो बाद कि आ गया 15, 15 ते 4 कि आ गया 19, तो जोड़ा अपने को आंसर होगा जी वह कि होगा 100 ते 195, वो कि आंसर आ ए वाला, ये अपने को आंसर आऊगा। बहुत ही वधिया मौका गा अपना चंडीगढ़ पुलिस के जॉब लैन का, बहुत वधिया इन्होंने सिलेबस पाया गा, ना ये इंग्लिश है क्योंकि आपको पता कि जो पंजाब वाले ने उन्होंने इंग्लिश के ज़्यादातर प्रॉब्लम होंगी, ना तो ये इंग्लिश आ ना आप कोई एक्सट्रा सिलेबस के कोई सब्जेक्ट पढ़ना गा, आप 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने, एक तो आप मैथ पढ़ना गा, एक आप रीजनिंग पढ़ना, एक आप GK पढ़ने, ठीक है जी। इस तो अलावा आप कुछ नहीं करना, आप 3 ही सब्जेक्ट ये पढ़ने, मैथ का रीजनिंग का इस तरह का लैवल होगा कि बहुत सौखा लैवल होगा, तो आप बहुत वधिया अटैम्प्ट कर सकते हैं, तुम ये कह सकते हो कि रीजनिंग के मैथ के अपने 45+ आ सकते नंबर, अगर तुम मेरे नाल जुड़े रहोगे आप जिन्ना चिक अपने हम 2 महीने का टाइम जिहड़ा दिता गा आप लगातार क्लास चलनी आ, अगर तुम मेरे दे नाल जुड़े रहोगे तो तुहानू ये गल की श्योरिटी दिने कि तुहाडे जिहड़े नंबर ने मैथ के 35 दे 35 दे 33 34 35 तक भी अटैम्प्ट होंगे बिल्कुल सही होंगे, ठीक है, तुम्हें की करना अपने नाल जुड़े रहना गा। उस तो बाद आप अगले क्वेश्चन की गल करते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखो जी, ये की क्या गा कि अपन दो नंबर का अनुपात दिता होया कि दिता होया गा, अनुपात 8 ते 17, ठीक है, दो नंबर का अनुपात कि दिता 8 ते 17, कहिंदे आपां उन्हां नंबरां विचों की घटा दिए कि उन्हां दा अनुपात 2 ते 5 बन जाए, इस तरह का अपन सवाल दिता गया गा। हुण देखो अनुपात किन्ना जी अपने कोले 8, अनुपात अपने को 8 ते 17 गा जी, दो नंबर होने उन्हों का अनुपात, आपको पता जो अनुपात होंगे अपने को दो नंबर से उन्होंने कट के आप एक टेबल से अनुपात बनाया होगा, आप ये भी कह सकते हैं जी एक नंबर मेरे को 8 है दूसरा नंबर कि होगा 17 होगा। हूँ मैं कि करदा ये अगर 2 घटा दा, 2 मैं घटा दा तो कि रह जूगा 6, 2 ये घटाऊँगा तो कि रह जूगा मेरे को 15, ठीक है जी, इत तक आ गया। हूँ उस तो बाद मैं इनू कैंसल कर सकता, सेम टेबल से कैंसल हो गए कि आ गया जी 2, 3 से कैंसल किया कि आ गया 5, अपना जो अनुपात आ 2:5 ही बनना चाहिए सी, 2:5 कदों बनूगा जो मैं 2 घटाऊँगा, मेरा आंसर की आऊगा ए वाला आंसर होगा, इस तरह आप सवाल को करांगे जी, ठीक है जी। उस तो बाद आप अगले सवाल की गल करते हैं, अगला देखो जी कि एक करियाने मतलब कि दुकानदार से उन्हें 2 तरह के की लिया चौल लिया ने, उन्होंने कीमत देखो अलग अलग है कि एक की कीमत कितनी सी 7.5 रुपए, दूसरी की कितनी सी 10 रुपए, उस तो बाद जो उन्होंने बेचता किन्ने का बेचा गा
8 रुपया 25 रुपया बेचे उन्होंने मिक्स करके, तो जो उन्हें मिक्स करके बेचिया 8 रुपया 25 रुपया ना तो उन्होंने कोई लाभ हुई है ना कोई उन्होंने हानि हुई होगी। तो वो पूछ रहे हैं भी जो उन्हें मिक्स किए किस अनुपात के किए भी जेडे 75 रुपए से लिया चौल वो किन्ने किलो मिक्स किए थे जेडे आप 10 रुपया लिया वो किन्ने किलो मिक्स किए थे। हुण देखो आपां किस तरह करना सवाल नूं, तुसीं वी सिंपल इस तरह ही अप्रोच रखनी आ, सारे सवाल ट्रिकी ही आउणगे। किवें करांगे आपां? देखो 7.5 रुपए ने आपां कह सकते हैं, एक चौल तां मैं उह लैंदे आ कि जिहड़े मैनूं 7.5 रुपए च पैणे जी, किन्ने रुपए दे विच? 7 रुपए 50 पैसे। दूसरे चौल मेरे वह ने जिहड़े मैनूं 10 रुपए दे विच पैणे, एक किन्ने दे विच पैणे? 7.5 रुपए दे विच। दूसरे किन्ने रुपए दे विच पैणे? जिहड़े 10 रुपए दे विच। जदों मैं बेचिया इत्थे कॉमन बेचे किन्ने च? मैं 8 रुपए 25 पैसों के 8 रुपए 25 पैसों के इन्हों मैं बेचा गा। ठीक है जी, हूँ देखो 7.5 ये अगर 8 रुपए 25 पैसे माइनस करिए तो अपने को कितना आऊगा? 0.75 पैसे। ठीक है जी, अगर मैं 10 दे 8.25 माइनस करा तो मेरे को कितना आऊगा जी? कितना होना चाहिए अपने को? आप कह सकते हैं जी देखो 10 अगर 9 होंगे तो 1 होना तो कि अपने को 1.75 जी, 1 रुपया 75 पैसे यही आ रहा ना जी। हूँ आप क्ढना अनुपात, अनुपात की करना गया इन आप कट के देखना गा। देखो पॉइंट आ, पॉइंट के नाल पॉइंट कट्टा जाऊगा। ठीक है, 25 30 75 हों गा, 25 कि करा 25 6 25 7 कि हों जी अपने को 175। तो जोड़ा अपने को अनुपात आ 7:3 आ रहा है, आंसर कि आ रहा अपने को 7:3 जो कि अपने को वाला आंसर आप इस तरह सवाल को करा। ठीक है जी, उम्मीद है तुम्हें समझ आएगा थोड़ा, जिन्हें जिस तरह आप कर रहे हैं उस तरह सवाल को समझो, वही अप्रोच समझो, अगे ज्यों ज्यों आप अगे करा मॉक टेस्ट तुम उस तरह यूज करने हैं अपने अप्रोच। ठीक है जी, उस तो बाद आप अगले सवाल की गल करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो जी अगला। हाँ जी, कोई भी पेपर हो चाहे पंजाब का हो चाहे चंडीगढ़ का हो, टाइम एंड वर्क का सवाल तो आना ही होता। ठीक है जी, हूँ की कह रहा है? ए ते बी, ए किसी काम, ए ते बी दोवें मिलकर किसी काम को कितने दिनों करते हैं जी? 12 दिनों के कर रहे हैं। ठीक है जी, दोवें मिल जाते हैं, दोवों की वधिया आपस में बनती आ, तो उन्होंने राय कर ली कि असं दोवें रल के काम करा, दोवों ने रल के काम किया गा तो किन्ने दिनों के हो गया काम? तो 12 दिनों के हो गया। ठीक है जी, दोवों ने रल के किया तो काम किन्ने दिनों हो गया? 12 दिनों के। उस तो बाद कहते जी ए आ, ये कहना भी मैं कल ने भी काम करके देखना गा, ये कल ने किन्ने दिन किया काम? 24 दिनों के। जो दोवों ने मिलकर किया तो किन्ने दिन लगे ने? 12 दिन। जो कल ए ने किया तो किन्ने दिन लगे ने? 24 दिन। उस तो बाद पूछ रहा कि कला बी नू जे करना पे जी। ठीक है जी, ए ने तो एक बार कल ने काम करके देख लिया, उन्होंने किन्ने दिन लगे ने? 24। हूँ कहते जी कली बी नू करना पे जी तो किन्ने दिन लगनगे? ठीक है जी, हूँ देखो काम होगा किमें, बी नू किन्ने दिन लगनगे वो तो वो जिहड़ी कपैसिटी आ समर्था वो तो डिपेंड करता गा। हुण देखो आप कर सकते हैं, अगर टाइम एंड वर्क का कोई भी सवाल आऊगा सब तो पहला आप एलसीएम ही लवेंगे। ठीक है जी, एलसीएम लैण के नाल आप एफिशेंसी देख सकते हैं, काम करने की समर्था देख सकते हैं। एलसीएम की हुंदा? जिन्हां दे दोवें कट्टे जांदे होण अपना एलसीएम किन्ना आऊगा? 24। 24 के टेबल से 24 भी आता, 24 के टेबल से 12 भी आता गा। जे इन्होंने 12 दिनों काम करना हो, 24 यूनिटा काम हो, टाइम किन्ने करूगा? डेली 2 यूनिटा काम करूंगा, डेली किन्ना करूंगा? 2 यूनिटा। अगर इन्हें 24 यूनिट काम है 24 दिन लाऊंगा तो डेली किन्ना कर दूगा? 1 यूनिट काम कर दूंगा। यदि काम करने की समर्था की जी 1 यूनिट, यदि काम करने की समर्था किन्नी है जी? 2 यूनिट। ठीक है जी, जे दोवें मिलकर 2 यूनिटा कर दिया, कला ए किन्ना कर देगा जी? 1 यूनिट। तो कला बी किन्ना कर दूगा? 1 यूनिट। तो कला बी किन्ना काम कर देगा? 1 यूनिट। कला बी किन्ना कर देगा? 1 यूनिट काम कर देगा। उस तो बाद काम किन्ना गा? 24। देखो जिहड़ा हुण अगे आपां कंसैप्ट यूज कर रहे हैं, जिहड़े आपां मैथड ला रहे हैं, ये आपां पूरे चैप्टर दे विच पढ़ते हुंदे आ वी टाइम एंड वर्क दा आपां चैप्टर किवें करदे हुंदे आ, पर आपां हुण मॉक टेस्ट दे विच कर रहे हैं। फिर भी जिन्ना क तुहानूं क्वेश्चन दे हिसाब नाल समझाउणा चाहीदा वो आपां दस रहे हैं कि सब तो पहला आपां एलसीएम लैणा गा। एलसीएम दे विच जिहड़ा अपने कोल आऊगा अपने कोल कुल काम आऊगा, जिहड़ा आपां कुल काम करना वो किन्ना आ रहा है जी? 24 आ रहा है। फिर देखो अगर ये 12 दिन लाते तो डेली किन्ना करना पेगा? 2 यूनिटा। तो इन्हों की काम करने की जी समर्था गई अपने को एफिशेंसी वो कि आ रही है? 2 जी। इन्हों की काम करने की समर्था कि आ रही है जी? 1। जे दोवें मिलकर 2 यूनिटा काम कर दिया, कला ए 1 करता गा, तो कला बी भी कि कर दूगा जी? बी कर दूगा 1 यूनिट काम। हूँ देखो अगे अगे कि टाइम लगू, टाइम क्ढन लिए आप देखो फार्मूला लाने, जो टाइम हों अपने को कि हों कुल काम, जो अपना कुल काम होगा
बटा की करांगे आपां जिन्नी अपनी काम करने की समर्था आ गई, जिन्नी अपने को एफिशेंसी आ, आपां कहांगे हुण टाइम कुल काम किन्ना अपने को 24, कुल काम किन्ना गा 24, काम करने की समर्था अपनी किन्नी आ, वो कही है एक, तो अपने को आंसर किन्ना होगा जी 24, तो 24 डे अपने को आंसर आऊगा जो कि अपना बी वाला आंसर आप इस तरह सवाल नूं करांगे। ठीक है जी, उम्मीद है कि तुहानूं समझ आया होगा, आप वधिया सरल तरीके नाल कराउण दी तुहानूं कोशिश कीती है पूरी। देखो अगला सवाल यह भी अपने को टाइम एंड वर्क का सवाल है, सेम आप अप्रोच रखनी है, सब तो पहला आप एलसीयम देखा, एलसीयम के नाल आप पता लगेगा भी इन्हों की काम करने की समर्था कितनी आ रही है। ठीक है जी, हुण देखो ए ते बी दोवें जो मिल जाते हैं, कौन कौन मिलते हैं जी, एक ए ते एक मिलता बी, ए ते बी दोवें मिल के किन्ने दिनों के करते हैं काम, ए ते मिल के दोवें 5 दिनों के कर लेंगे काम, किन्ने दिनों के करते काम 5 दिनों के करते हैं, उस तो बाद बी ते सी, फिर बी ते सी मिलते हैं, बी ते सी मिलते हैं, हुण मिल के किन्ने दिनों करते जी, हुण करते 3 दिनों के, हुण किन्ने दिनों करते 3 दिनों के, फिर कौन मिलते हैं, फिर मिलते हैं सी ते ए, सी ते ए मिलते हैं। ठीक है, ये किन्ने दिनों करते 6 दिनों के। ठीक है जी, देखो सवाल का तुम ये ना मनो कि थोड़ा जहा लैवल आ, सवाल का लैवल कोई नहीं, क्योंकि यह सवाल ना रिपीट होंगे अपने पेपरों के, इस तरह का जिवें हुण पंजाब वाले आ वो की करते हैं एस एस सी का पैटर्न कॉपी कर लेंगे, उतों सवाल पूछ लेंगे, हुण अगर चंडीगढ़ वाले ने तो वो की करते, जो पिछले कुछ पेपर होने उन्होंने जोड़े क्वेश्चन मोस्टली रिपीट हुए होंगे, उन्होंने बहुत ज़्यादा चांस होंगे कि अपन क्वेश्चन आते हैं। आप करना देखो दोवें मिल के 5 दे करते हैं, दोनों किन्ना 3 च करते हैं, दोवें किन्ना करते हैं 6 दे, सब तो पहला की होंगे आप लेना होंगे एलसीएम, एलसीएम आप लेना होंगे जिस भी आता हो, 6 भी आता हो, 3 भी आता हो, 5 भी आता हो, मैं लग रहा कि जो अपना आ रहा 30। ठीक है, 30 मैं लै रहा, देखो 6 पाया 30, 10 ती 30, 6 पाया 30 आ रहेगा, तो इतों ये पता लग रहा कि अगर ए ते बी मिलते हैं तो कितना काम कर सकते हैं 6 यूनिटा, अगर 6 यूनिटा काम करते 5 दिन लगते हैं तो किन्ने करूंगे 30 यूनिटा कंप्लीट कर लेंगे, ये कितना कर सकते हैं, ये कर सकते 10 यूनिटा, क्योंकि जल्दी कर रहे हैं। देखो सिंपल जी गल हुंदी है टाइम एंड वर्क दे विच कि जेड़े काम करन ते घट टाइम लाउंदे आ उहदा मतलब की आ कि उन्हां दी काम करन दी समर्था ज़्यादा गई। ठीक है, हुण जिवें बी ते सी दोवें मिल के काम नूं सिर्फ 3 दिनों के कर लेंदे आ, इहदा मतलब उन्हां दी काम करन दी समर्था ज़्यादा गई, 3 दिनों के करदे आ जे डेली 10 यूनिटा काम करदे हुण, फिर ही वह 30 दिनों के करनगे। उस तो बाद सी ते ए किन्ने यूनिटा करदे आ, 5 यूनिटा काम करदे आ, किन्ने दिन लाउंदे आ 6 दिन लाउंदे आ, यह काम करन दी समर्था आ गई। हुण कहिंदे जे तिन्ने मिल जाण, तिन्ने कौन कौन मिलणगे, ए बी ते सी तिन्ने मिल के जिहड़ा काम आ उह किन्ने दिनां च करनगे। हुण देखो अगर मैं इहदी गल करां 6 ते 10 किन्ना हो गया 16, 16 ते 5 किन्ना हो गया 21, 21 यूनिटा काम हुंदा गा, 21 यूनिटा काम कदों हुंदा गा, जदों देखो ए इक इत्थे बैठा, इक ए इत्थे बैठा गा, ए किन्ने वारी आ गया 2 वार, बी भी किन्ने वारी आ गया जी 2 वार, ते सी भी किन्ने वारी आ गया जी 2 वार, तां मैं कह सकदा वी जिहड़ा 21 यूनिटा काम करदे ने, 21 काम कदों करदे ने, जदों ए 2 वार आ, बी भी 2 वार है, ए भी 2 वार है, तो बी भी 2 वार है, तो सी भी 2 वार है। ठीक है जी, तो आप ये कह सकते कि कल्ला अगर ए ते बी प्लस सी तिन्ने मिल के करनगे तो किन्ना करनगे, इनू मैं 2 दे नाल वंड रहा हाँ, 2 नाल वंड के किन्ना आजूगा 10.5 यूनिटा आऊगा, 10.5 यूनिटा क्यों आऊगा, क्योंकि हुण आपां ए तो कम किन्ने वारी करवाना, एक बारी, बी तो किन्ने वारी करवाना, एक बारी, तो सी तो किन्ने वारी करवाना, एक बारी करवाना जी। हुण देखो आप उही फार्मूला लाउणा कि जिहड़ा कम है टाइम कढ़णा गा, टाइम लई अपने कोल किहड़ा फार्मूला लगेगा, कुल कम, कुल कम किन्ना गा जी 30, कम करदे किन्ना गा 10.5 यूनिटा। ठीक है जी, इत्थों तक समझ आ गया, इहदा पॉइंट खत्म करांगे तो उपर जीरो लग जाणी अपने कोल, तां किन्ना आऊगा अपने कोल 300 पटा किन्ना जी 105, हुण आपां 5 दे टेबल दे कैंसल करदे आ, 21 आ गया, इहनूं 5 ते करदे आ तां किन्ना आ गया जी 60 आ गया, फिर आपां 3 दे टेबल दे करदे आ 20 आ गया, इहनूं कैंसल करदे आ 3 दे टेबल दे 7 आ गया, 20 बटा 7 आ गया, अगे देखो 1 7 7 आ 2 14, 2 7 14 आ गए, किन्ना बच गया 6 बटा किन्ना आ गया 7, तां जिहड़ा अपना आंसर आऊगा वह किन्ना आऊगा 2 6 बटा 7, जदों आपां इहनूं इस तरह 20 बटा 7 नूं वंडांगे। ठीक है जी, तां अपने कोल किन्ना आऊगा 2 ते पूरा जा रहा है 14, किन्ने बच गए 6, तो 2 जिहड़ा पूरा गया मूहरे लिखना गा, जिहड़े बच गए उपर लिखना, जिहदे नाल वंडदे उहनूं थले लिखना, तो अपना किन्ना आंसर होगा 2 6 वटा 7, जो कि अपना डी वाला आंसर आपां इस तरह सवाल नूं करांगे। ठीक है जी, उस तो बाद आपां अगले सवाल की गल करदे हां।
सरफेस एरिया पता करना स्पीयर गोले का, अपना गोले का अपना कुल सतह का खेत्रफल पता करना गा। देखो अपने को क्वेश्चन हैगा गा, ये क्वेश्चन हूँ अपना फार्मूले तो अलावा नहीं हो सकता, फार्मूले अपन आने जरूरी ने, क्योंकि गोले दे देखो अपने को दो फार्मूले होंगे जी। गोला की होंगे जिस तरह की अपने को गेंद होंगी तो अपने को दो फार्मूले होंगे, एक तो होंगे कुल सतह का खेत्रफल जी, कुल सतह का खेत्रफल होंगे जो अपने को कह सकते हैं चार पाई आर दी स्क्वायर, ये तो हो गया कुल सतह का खेत्रफल। एक होंगे यदा आयतन, आयतन की होंगे वॉल्यूम किन्नी चीज़ उस पै सकती है, वह फार्मूला होंगे चार वटा तीन पाई आर दी क्यूब, इतने याद रखना इतने की है क्यूब, इतने की है स्केयर। हूँ की पूछे अपन कुल सतह का खेत्रफल, कुल सतह का खेत्रफल का आप फार्मूला लाँगे आ वाला, आप कहे चार पाई कि होंगी बई वटा सत्त, आर कि आर न दो बारी भर कि भरा सत्त गुणा सत्त, आ एक सत्त न सत्त कट्टिया गया, उस तो बाद कि करना है बई की चार दिन गुणा करनी है, बई चौगा कि हो गया अठासी, अठासी की गुणा करनी है सत्त न, सातों आठ कि होंगे जी छपंजा, सातों आठ कि होंगे छपंजा, उदू बाद कि सातों आठ छपंजा, छपंजा के पांच जोड़े का कि बन गया काहठ, आंसर कि होगा 616। खेत्रफल की गल की है सेंटीमीटर की आऊगी स्केयर, 616 सेंटीमीटर की स्केयर ए वाला अपने को आऊगा आंसर आऊगा, आप इस तरह सवाल करा, ठीक है जी। जो अपना एरिया वॉल्यूम के चैप्टर के इन्होंने क्वेश्चन आने आने क्योंकि हम अपने को 35 क्वेश्चन ने, तो वो चैप्टर चाहिए तो वो फार्मूले याद होना अपने जरूरी आ, अगर तुम जुड़े रहोगे तो सारे फार्मूले भी थोड़े याद हो जाएंगे जिस हिसाब न अपने को क्वेश्चन आने, याद रखने ये गोले के फार्मूले आ, गोले के कुल सतह का खेत्रफल चार पाई आर दी स्केयर, आयतन का चार बटा तीन पाई आर दी क्यूब, ठीक है जी। उस तो बाद अगले सवाल की गल करते हैं, देखो जी सवाल है कहते पांच अंकों की अपना वड्डी तो वड्डी संख्या पता करनी आ कि जिहड़ी बिल्कुल 279 दे नाल पूरी पूरी वंडी जाए, ठीक है जी। देखो हुण आपां नूं 279 आ उहदा टेबल तां आउंदा नहीं हैगा, आपां किस तरह वंडांगे, अपने कोल कितना लिखा होया जी, अपने कोल लिखा होएगा 279, ठीक है। हुण आपां नूं टेबल आउंदा नहीं, जब तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आप चंडीगढ़ के जॉब लैनी है तो इनू आप टेबल में याद कर लें, ठीक है। दूसरा की तरीका भी कोई आप ट्रिक बनाने जिद अपना सवाल सॉल्व हो जाएगा। हूँ अगर आप गल करिए जो 279 आ ये टेबल पर वंडिया जाता गा, आप देखिए एक 9 का टेबल हों, 9 का पहाड़ आता अपने को, ठीक है जी। 9 के टेबल से 9 के पहाड़ से कि संख्या वंडी जाती है, जिदे अंकों का जोड़ 9 से वंडिया जाता वह 9 के पहाड़ की संख्या वंडी जाती है, ठीक है। जिदे अंकों का जोड़ 9 से वंडिया जाता, हूँ देखो ये अंकों का जोड़ की गल करिए, देखो 9 तो 7 अपने को आ गया 16 तो 2 कि हो गया 18 हो गया ना, तो अगर ये अंकों का जोड़ कि गा 18 आ गया, 18 9 से वंडिया जाता, यह संख्या जी कि वंडी जाती है, 9 से वंडी जाती है, यह संख्या कि वंडी जाती है 9 से वंडी जाती है। जे संख्या 9 से वंडी जाती है तो जिहड़ियां आ वाली संख्या ने यह भी 9 से वंडिया जाए होनगियां, वो वाला अपना आंसर आऊगा जिहड़ी 9 से वंडी जाती होगी। इन्हां दे अंकां दा जोड़ देखो आपां गल करदे आं कि 9 ते 9 18 ते 9 27, इहदे अंकां दा जोड़ 27 है, 9 ते वंडी जाती है, अपना आंसर हो सकदा पर आपां अगे भी देखदे आं। उस तों बाद 9 ते 9 किन्ना हो गया 18, 18 ते 10 किन्ना हो गया जी 28, यह 9 ते नहीं वंडी जाती, यह भी आपां आंसर नहीं आउंदा। उस तों बाद 9 ते 9 18, 18 ते अगर आपां 16 जोड़ीए जी, 18 ते अगर आपां 16 जोड़ांगे तां आपणे कोल किन्ना होगा 34 ते 35, देखो 35 भी 9 ते नहीं वंडिया जाता, यह भी अपना आंसर नहीं आता। उस तो बाद आप गल करते हैं 9 ते 9 18, 18 से अगर आप 6 की गल करिए कि आ गया 24, 24 ते 6 कि गया 30 ते 30 ते 2 कि 32, यह भी अपना 9 ते नहीं वंडिया जाता, अपना आंसर की आऊगा ए वाला, आंसर कि आऊगा ए वाला, तुम वंड के भी देखो तो आंसर की आऊगा ए वाला, ठीक है जी। इस तरह आप कर सकते हैं, ये अपन थोड़े ट्रिकी मैथड चाहिए ने, वो अगर तुम क्लास के लगातार रहोगे तो वह सारा कुछ तुम सीखते रहोगे। उस तो बाद आप अगले सवाल की गल करते हैं, देखो एज वाला सवाल अपने को, अनुपात ते जिहड़ी परसेंटेज आ उह तां अपना जिहड़ा मैथ दा सब तो मेन पार्ट आ, हरेक सवाल उन्हां तो ही मिला के बनाउंदे ने। जिवें कह रहे कि 6 साल पहलां दी गल करदे आं, जदों आपां अज दी गल नहीं करदे, 6 साल पहलां दी गल करदे आं आपां कि 6 साल पहलां जिहड़ी कुनाल ते सागरा उन्हां दी एज दा अनुपात,
देखो 6 साल पहला इतने प्रेजेंट समा चल रहा, अज का समा चल रहा है जी। 6 साल पहला नहीं गल करांगे तो आपको पिछे जाना पैना, इतने जाना पैना गा। 6 साल पहला जिहड़ी उम्र का अनुपात सी कुणाल दा ते सागर किन्ना सी जी? 6:5। ये 6 साल पहला सी। उस तो बाद कहिंदे 4 साल बाद, 4 साल बाद इत्थे 6 आ, हुण 4 साल बाद, 4 साल बाद दे विच किन्ना गा जी हुण अनुपात? किन्ना गा हुण हैगा 11:10। हुण किन्ना जी? 11:10। हुण देखो किन्ना फर्क पै गया 6 तों 11, 5 दा फर्क पै गया। किन्ना फर्क पै गया 5 तों 10? किन्ने दा फर्क पै गया? 5। 6 तों किन्ना हो गया जी? 11। 5 हिस्सों का फर्क पै गया। 5 तों किन्ना हो गया? 10। किन्ने हिस्सों का फर्क पै गया? 5 हिस्सों का फर्क पै गया। एक कादे करके पै गया जी आ 5 हिस्सों का, कि पहला आपां जिहड़ी उम्र सी 6 साल पहला देख रहे सी, हुण 4 साल बाद देख रहे हां, तां किन्ने सालों बाद देख रहे हां? टोटल आपां 10 सालों बाद देख रहे। 10 सालों बाद 5 हिस्सों का फर्क पैंदा, आपां कहेंगे 10 सालों बाद 5 पार्टां का फर्क पैंदा जी। तां इहदा मतलब की है, जिहड़ा एक पार्ट अपने कोल उह किहदे बराबर आ गया? 2 सालों के बराबर आ गया। एक हिस्सा किहदे बराबर आ गया? 2 सालों दे बराबर आ गया। तो आ उम्र जिहड़ी 6 सी दा मतलब किन्नी होऊ? 2 नाल गुणा करांगे ता 12 होगी, इनू 2 नाल गुणा करांगे तां किन्ना होगा जी? 10। एक किन्ना आ गया? 10। दूसरा किन्ना आ गया? 12। इहदा 6 साल पहलां गा। पुछ रहे ने कि सागर की उम्र, वह भी प्रेजेंट दे विच, अज दे टाइम सागर किन्ने साल दा हो गया? अज दे टाइम देखो किन्ने सालों का होगा? यह तो 6 साल पहलां गा, हुण 6 साल बाद अज दा टाइम इत्थे होगा, क्योंकि तो 6 साल पहलां दी गल कर रहे हैं। 10+6 ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਏ ਵਾਲਾ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਅਨੁਪਾਤ ਉੱਧਰੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੋਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਘੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਘੜੀ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 8:30 ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆ ਕੋਣ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਘੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? 8:30 ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 12, 1, 2 ਅਤੇ 3 ਹੋ ਗਿਆ, 4, 5, 6, 7, 8। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 8 ਹੈ ਇੱਧਰੋਂ, ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਆ ਜੀ? 6 'ਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8:30 ਹੋਣਗੇ, 8:30 ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੋਊਗਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਗਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂਗਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਆ ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਵਰ ਹਾਊਸ ਹੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਮਿੰਟ ਹੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਦਾ ਗਾ? ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਣਾ, ਕਲੋਕ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ? ਹੋਊਗਾ 30 ਐਚ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ? ਮੈਨਸ 11/2। ਅੱਗੇ ਲਿਖਣਾ ਗਾ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਅੱਗੇ? ਮਿੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ। ਕੋਣ, ਕੋਣ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਣ ਆ, ਐਂਗਲ ਆ ਇਹ। ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ? ਕੋਣ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ? 30 ਐਚ, ਐਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ? ਘੰਟੇ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ? ਘੰਟੇ 1/11/2 ਮਿੰਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਐਂਗਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਜੀ, 30 ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਘੰਟੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ? 8:00, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? 8 ਘੰਟੇ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 8-11/2, ਮਿੰਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? 30 ਮਿੰਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 30। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਸੀ ਭਰੀਆਂ। 8 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਕਰਾ, 8 3 24, ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ 0, 8 3 24 ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ 0। ਮੈਨਸ 11/2 ਗੁਣਾ 30 ਆ, ਕੱਟਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਗਿਆ? 15 'ਤੇ। 15 ਦੀ 11 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, 15 ਦੀ 10 ਨਾਲ ਕਰਦੇ 150 ਹੋਰ ਜੋੜਾਂਗੇ, 165 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ 240 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 165 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਨਸ ਕਰਨਾ ਗਾ, 40 ਆ ਬਚ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 35 ਉਹ ਬਚ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? 75। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣੂਗਾ? 75 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣੂਗਾ, ਬੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਲੋਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਗਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਵਿਹਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗਾ ਉਹ? ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਗਿਣ ਲਏ ਉਹਨੇ, 21 ਗਿਣ ਲਏ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰੇਕ ਪੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਾਲਾ ਪੋਲ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਆ? 50 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਆਪਾਂ ਗਤੀ ਦਾ ਅਗਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣਾ ਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਗਤੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰੂੰਗਾ ਪਟਾ ਕੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਬਟਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਤੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੀ ਆਪਣੀ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗਤੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੀ ਆ? ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗਤੀ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਭਰੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਗਿਣੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਖੰਭੇ? 21 ਖੰਭੇ ਗਿਣੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਖੰਭਾ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਆ? 50 ਮੀਟਰ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਭਾ 1, ਫਿਰ 50 ਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਖੰਭਾ ਗਿਣਿਆ ਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰਾ ਖੰਭਾ ਗਿਣਿਆ ਗਾ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗਿਣਿਆ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ? 50 ਮੀਟਰ ਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗਿਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ 50 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋ ਖੰਭੇ ਗਿਣੂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਖੰਭਾ ਗਿਣਿਆ, ਫਿਰ 50 ਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਖੰਭਾ ਗਿਣਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ 50 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਖੰਭਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਦੂਰੀ ਆ ਉਹ 20 ਗੁਣਾ 50 ਲਿਖਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ 21 ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੰਭੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 20। ਕਿਉਂ 20 ਹੋ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੂਰੀ ਆਪਾਂ 50 ਮੀਟਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਖੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਗਾ, ਤਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1000 ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? 1000 ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਆ? 1000 ਮੀਟਰ। ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 1 ਮਿੰਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਭਰਨਾ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਦੂਰੀ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ? ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਦੂਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ? ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? 60 ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 60 ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ? 60 ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਤੀ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਆਈ ਹੈ? ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਗਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 18/5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 5/18 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ, ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੱਡੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਣਾ? 18। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਮੀਟਰ ਵੱਲ ਛੋਟੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਗੁਣਾ ਬਟਾ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਣਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਣਾ? 5/ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਣਾ ਗਾ? 18। ਛੋਟੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 5, ਵੱਡੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 18। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਣਾ? ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 18 ਬਟਾ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਾਂਗੇ? 5, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਗਾ। 5 ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਪਾਇਆ ਪਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 2, ਨਾਲ ਆ ਗਈਆਂ 0 ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 0 ਦੇ ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ 6 ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 3 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਹੇਗਾ? 20 ਨੂੰ 3 ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 60। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਉਹ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਆਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਆ ਉਹ 30% ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਹਦਾ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੂਲਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਆਪਾਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ 30% ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਮੂਲਧਨ ਦਿੱਤਾ ਗਾ ਉਨੇ ਹੀ ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰੁਪਏ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ? 100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਗਾ, 100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਗਾ ਜੀ? 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ।
जब मैं लैन आया तो किन्ने रुपए उन्होंने ब्याज दिता, मैंने 30 रुपये ब्याज दिता। ठीक है, साधारण ब्याज दे विच एक गल याद रखनी कि हमेशा जिहड़ा ब्याज आ हर साल की रहिंदा गा सेम रहिंदा गा। देखो जी अगर ये कह रहे हैं कि 6 सालों के 30 रुपये ब्याज मिलता गा तो एक साल के कितना ब्याज मिलता होगा 5 रुपये, एक साल के कितना ब्याज मिलता गा 5 रुपये, एक साल के ब्याज कितना मिलेगा 5 रुपये मिलेगा। जे आप कह सकते हैं भी एक साल के ब्याज 5 रुपये मिलता गा तो 100 रुपये वन के देखो मूलधन कितना से अपने को 100 रुपया से ना 100 रुपये दिता, 100 रुपये वन के कितना टाइम लगेगा जी 20 साल, क्योंकि अगर 5 नूं आपां 20 दे नाल गुणा करांगे तो 100 रुपये बनता गा, तो कितना टाइम लगेगा 20 साल, अपना आंसर की आऊगा बी वाला अपने को आंसर आऊगा साधारण ब्याज के हर साल किहड़ा जिहड़ा ब्याज आ उह सेम रहिंदा गा। ठीक है जी, आपां इस तरह नूं करां। उस तो बाद आप अगले सवाल की गल करते हैं, कंपाउंड चक्रवर्ती ब्याज मिश्रित ब्याज। ठीक है जी, जिवें आपां पंजाब पुलिस के पेपर वो चलो ये टॉपिक नहीं लेंदे पर चंडीगढ़ की जिहड़ा कॉन्सटेबल का पेपर वो आपां आ सकते हैं। सवाल आपां नूं की कहिंदे ने कि जिहड़ा अपने कोले पैसे आपां जमा कराए हैं मिश्रित ब्याज के कंपाउंड इंट्रस्ट बोलते जिहनूं आपां मिश्रित ब्याज कह रहे हैं, हिंदी दे विच आपां नूं चक्रवर्ती ब्याज कह रहे हैं, वाकई इहनूं देख के चक्कर आउण लग गए हैं तां ही उहदा नाम चक्रवर्ती ब्याज गा, कि वह डबल हो जाता किन्ने टाइम के 5 सालों के 8 गुणा किन्ने टाइम के होगा, 8 गुणा किन्ने टाइम के होगा। याद रखना गा देखो किस तरह कि अगर आप किसी 2 रुपए दें जे वह 15 साल बाद किन्ने होंगे 4 रुपए होंगे दुगने होंगे ना 15 साल बाद, अगले 15 साल बाद फिर ये दुगने होंगे 4 का किन्ना होगा 8, इस तरह ही चलूगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जो किसी आप 2 रुपए दें 15 साल बाद 4 रुपए होंगे सेम उ रेट ऑफ इंट्रस्ट उ दर से 15 साल बाद की होगा 4 का दुगुना किन्ना होगा जी 8 होगा, इस तरह ही होगा। हुण इहदे विच भी देखो जे आपां किसी नूं 100 रुपए दिता सी 15 साल बाद किन्ना हो गया जी 200 हो गया, दुगुना हो गया। फिर अगले 15 साल दे विच किन्ना होगा जी 400 होगा, अगले 15 साल दे विच किन्ना होगा जी 800 होगा। समझ आ रही आ, हर साल की होगा उन्ने समय के उन्ने गुणा होंदा गा ये अपना मिश्रित ब्याज के होंदा। हुण समा देखो 15 15 ते 15 किन्ने बारी 3 बारी, अगर आप 15 नूं 3 बारी जोड़ांगे तो आप जोड़ के किन्ना बनावेंगे 45 साल, तो आंसर किन्ना होगा अपने को 45 साल होगा। सवाल ये सारे उही होंदे आ जिहड़े एक ट्रिक दे नाल होंदे आ, सारे सवाल उस तरह के ही रिपीट होंदे अपने को। उस तो बाद आप अगले सवाल की गल करते हैं जी। हाँ जी देखो बोट वाला की कह रहे हैं कि एक किश्ती की है 30 किलोमीटर जो थले जाती, देखो पानी दे विच अपन सिंपल जी गल पता कि थले तो अपने आप ही आप चले जाने, आउण तो अपन उपर औखा होंगे जी। ठीक है, ता करके जब भी अपन थले जाने तो उदो की करता जिहड़ा पानी आ अपन थले जाने वास्ते मदद करता, जो लिखा ना डाउन वार्ड थले जाना। ठीक है, अगर आप 30 किलोमीटर थले जा रहे हैं पानी दे विच अपन टाइम कितना लगता गा 2 घंटे, कितना टाइम लगता गा जी 2 घंटे। जो पानी दे आप उपर जाने देखो पानी दे उपर आना ही औखा गा, थले तो आप चले जाने, जो पानी दे आप उपर जाने उदो आप यही 30 किलोमीटर किन्ने समय के तय होंगे गा जी 6 घंटिया दे। देखो उधर भी 30 किलोमीटर आ, इधर भी 30 किलोमीटर, अगर आप थले जाना तो भी 30 किलोमीटर, अगर उपर जाना गा तो भी 30 किलोमीटर। हुण फर्क की आ कि समय का फर्क है, समय का फर्क क्यों पैंदा गा क्योंकि जो आप नीचे नूं जाने उदो पानी अपनी की करता गा मदद करता जी, की करता गा पानी अपनी मदद करता गा, जो आप उपर नूं जाने पानी आपू रोकता गा जी, रोक लाउंदा गा। हुण देखो अगर गति किन्ने दी आ, 30 किलोमीटर तय करते हैं गति की हुंदा, गति का फार्मूला दूरी बटा समा, किन्ने घंटे लगते 2 घंटे, तो गति किन्ने दी आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा, गति किन्ने दी आ गई जी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, जदों आपां 30 किलोमीटर तय करते हैं समा किन्ना लगता गा 6 घंटे, तो गति किन्ने दी आ गई जी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उपर जाने 5 किलोमीटर प्रति घंटा, थले आने तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। हुण पुछदे आ किश्ती की जिहड़ी बोट की गति आ किन्नी होगी, बोट की गति किन्नी होनी आ, उपर जाने वाली गति तो थले जाने वाली गति उन्हां दोवां नूं की करना हुंदा जोड़ करना हुंदा गा, आपां कहांगे 15 नूं 5 जोड़ांगे,
बटा किन्ना लाउणा हमेशा दो लाउणा, बटा किन्ना लाउणा हमेशा दो लाउणा, 15 ते 5 किन्ना हो गया 20, बटा किन्ना आ गया 2, कैंसल करांगे किन्ना होगा जी 10 आऊगा, तो अपना किन्ना आंसर आऊगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा अपना डी वाला आंसर है, अपना आंसर की आऊगा डी वाला आंसर आऊगा। ठीक है जी, उस तो बाद आप अगले सवाल की गल करते हैं। हाँ जी देखो, ट्रेन दी गति आ, दो ट्रेना ने जी, वो दो ट्रेना की जी गति आ, उन्हें गति का अनुपात दिता होगा, कि अनुपात दिता होगा जी अपने को 8:9, कि दिता है जी 8:9, दो ट्रेन आ, एक ट्रेन T1 आ, एक ट्रेन T2 आ, अक्सर ही आप देखते हैं एक ट्रेन ज़्यादा फास्ट है, एक की आ हौली चल रही है, दोनों की गति का अनुपात कितना 8:9, इसका मतलब एक ट्रेन को जी गति आ 8 हिस्से आ, दूसरी ट्रेन को जी गति आ कि 9 हिस्से आ। उस तो बाद कहते जी दूसरी ट्रेन आ, सैकेंड ट्रेन जी दूसरी ट्रेन आ, वह की करती है, दूसरी ट्रेन कि जी 9 हिस्से ने, वह की करती आ 360 किलोमीटर, किन्ने समय के तय करती है 4 घंटे, आप गति कट लाँगे दूरी कि तय कर दी 360, समा कि लाँगे 4 घंटे, तो अपने को गति कि आऊगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप कह सकते हैं कि अपने को जो 9 हिस्से ने कि बराबर ने 90 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर ने, एक हिस्सा कि बराबर होगा बटा 9, एक हिस्सा कि बराबर होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जी दूसरी ट्रेन आदि को किन्ने हिस्से ने जी 8, तो आप गुणा कि करा 10 नाल, तो यदि गति कि जी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, गति कि जी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, जीड़ी ट्रेन, जीड़ी ट्रेन 80 किलोमीटर एक घंटे के तय कर लेंदी है जी, वह 3 घंटे कि करूगी जी, गुणा 3 कर देंगे 38 24, तो किन्नी दूर बैठ जाएंगे आप, किन्नी दूर चले जाएंगे जी 240 किलोमीटर, जिहड़ा कि अपना ए वाला आंसर आ, किन्नी दूर चले जावे जी आप 240 किलोमीटर, देखो साफ लिखते हैं 240 किलोमीटर। ठीक है जी, ये अपना आंसर आऊगा। उस तो बाद आप अगले सवाल की गल करते हैं। हाँ जी देखो देखो जिहड़े सवाल ने सारे इस तरह चलते हैं कि पहला आप सधारण ब्याज की गल की है, अपने को पैसे आए हूँ आप इनवैसट कर रहे हैं, कि अपने को ए ने एक काम स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया, किन्ने रुपए इनवैसट किए उन्हें 4000, तो बी ने की किया उन्होंने लग्या भी तो कम वधिया चल रहा, उस तो बाद उन्हें की किया गा हिस्सा पा लिया, किन्ने टाइम बाद 3 महीनों बाद किन्ने रुपए लैके 16000 रुपया लैके। ठीक है जी, हूँ आप करना जरा एंड से साल के लास्ट से आपू जो प्रॉफिट मिलेगा लाभ मिलेगा वह अनुपात देखना भी किन्ने अनुपात मिलेगा, हमेशा हमेशा जोड़ा बिजनेस वाला अपने को पार्टनरशिप वाला जो सवाल आने वो याद रखना गा कि जिनी आप कैपीटल जिने हिसाब न जिने अनुपात के नाल आप पैसे जमा करावे उस ही अनुपात के नाल आप मिलेगा लाभ का हिस्सा मिलेगा। हूँ इन्ने पैसे जमा कराए ने 4000, इन्हें की किया काम शुरू किया साल के एंड से लास्ट से साल के एंड से मतलब साल के किन्ने महीने होंगे जी 12 महीने, तो इनू कि टाइम लगेगा जी 12 महीने। ठीक है जी, उस तो बाद जो दूसरा बंदा उन्हें किन्ने रुपए लेके आते उन्हें लेके आते 16000 रुपया, समा कि होगा 3 महीने बाद, जिन्हें एक काम स्टार्ट किया 12 महीने लग्या, जोड़ा 3 महीने बाद आऊगा वह किन्ने महीने वास्ते आऊगा 9 महीने वास्ते। हुण आपां इन्हां दा अनुपात कढ़ना 3 जीरों दे नाल, 3 जीरों कढ़ते हैं, 1 चौका चौका चौकी चौकी किन्ना आ गया जी 16 आ गया, उस तो बाद अगे आपां कैंसल करदे इहनूं 4 नाल करांगे किन्ना आ गया 3 आ गया। ठीक है, इहनूं कैंसल करांगे तां अपने कोल किन्ना आ गया 1:1 किन्ना आ गया जी 3, तां अपने कोल आंसर किन्ना आऊगा 1:3, जो कि अपने कोल ए वाला आंसर होगा। आपां इस तरह सवाल नूं की करांगे जी सॉल्व करांगे। हाँ जी ठीक है जी, जिहड़े अनुपात दे विच आपां कैपीटल इनवैसट करांगे, कैपीटल मतलब जिहड़े पैसे इनवैसट करांगे उस अनुपात दे विच आपां नूं लाभ मिलेगा। ठीक है जी, हाँ जी अगला देखो मिक्सर एलीगेशन का जी, किन्ना मिक्सर से अपने को 60 लीटर। ठीक है जी, 60 लीटर दे विच की आ एसड आ ते पानी आ, देखो अपने को एक मिक्सर आ, जिवें मान लो अपने को एक डब्बा गा, अपने को डब्बा गा जी, ये आप मिक्सर पाया होगा कादा कादा एसड ते पानी दा, उहदे विच किवें अपने को कि जिहड़ा एसड आ उहदे किन्ने हिस्से ने अपने को 2 हिस्से, ते जिहड़ा पानी आ उहदे किन्ने हिस्से ने 1 हिस्सा। ठीक आ, टोटल किन्ने जी 60 लीटर, टोटल किन्ने हिस्से ने 3 हिस्से, 2 ते 1 3,
तीन की बराबर 60, एक की बराबर है 20 लीटर के बराबर। यह मतलब आ किन्ने हो 40 लीटर, एसड कि होगा जी 40 लीटर, पानी कि होना जी 20 लीटर, एसड कि होगा 40 लीटर, पानी कि होगा जी 20 लीटर। उस तो बाद कहते कि पानी जोड़िए, पानी ऐड कर दिए कि जोड़ा अनुपात आ हूँ वो 1:2 बन जाए, 1:2 बन जाए। देखो गल की है, ये ध्यान रखना गा कि जोड़ा आप एसड आ वह तो नहीं अपना छेड़िया गा, आप की जोड़िया गा कला पानी पाया गया, तो जो एसड आ सेम रहूगा, इतने 2 आ, इतने एसड कि 1, इन्हें 2 ना कर गुणा करा तो 2 बन जूगा, तो यह कि बन जूगा 2, यदि भी 2 ना गुणा होगी तो कि बन गया 4। ठीक है जी, ये पहला भी 2 हिस्से से हूँ भी 2 हिस्से आ, पहला भी यह 40 लीटर से हूँ भी 40 लीटर आ, फर्क कितने पै गा पानी का, पानी के पहला किन्ने से 20 लीटर, कि एक हिस्सा हूँ किन्ने हो गए 4 हिस्से, जुड़ किन्ने गए 3 हिस्से, जिदा एक हिस्सा 20 के बराबर आ, तो 3 हिस्से कि बराबर हो गए जी 60 लीटर के, गुणा आप 20 की कितना करा जी 3 के नाल, तो कि होगा 60 लीटर, तो जो अपने को आंसर आऊगा वो की आऊगा बी वाला 60 लीटर अपने को आंसर आऊगा, आप इस तरह करा। ठीक है जी, उस तो बाद आप अगले सवाल की गल करते हैं। आ देखो अपने वर्गा कोई मिल्कमैन आ, पानी पा के दुध में बेचता गा, एक दुध वाले ने की किया 15 लीटर दुध खरीदया गा, खरीदया कि 15 लीटर, फिर की किया 3 लीटर पानी पाता, की करता जी 3 लीटर पानी पाता, तो कि बन गया जी लीटर, 18 लीटर दुध बन गया। देखो 15 लीटर आप लैके आता गा, ठीक है जी, किन्ने लीटर की टोली से 15 लीटर की, थोड़ा ही बाहर गया गा जानसार की किया 3 लीटर ये पानी पाता, तो किन्ने लीटर बन गया जी 18 लीटर बन गया, हुण दुध कि लीटर बन गया जी 18 लीटर। फिर की करता उन्हें मिक्सर नूं की करता बेचना शुरू करता, किन्ने रुपए के हिसाब न बेचता गा 22 रुपए के हिसाब न बेचता गा, हुण देखो किन्ने लीटर बन गया 18, बेचता कि हिसाब न 22 रुपए के हिसाब न, ठीक है 22 के हिसाब न वह की कीमत बन गई, जे आप देखो 22 की कीमत बन गई, आप गुणा करते हैं 18 से 22 की, हूँ की सी पर जो उन्हें खरीदया गा खरीदने वेले किन्ने लीटर दुध का उन्हें मुल दिता, वह है 15 लीटर का, बेचने वेले जो कि बन गया 18 लीटर है, आप कह सकते हैं 18 गुणा 22, ठीक है किन्ने लीटर का चाहिए 15 लीटर का मुल, ये अपने को आंसर आऊगा। ठीक है जी, क्योंकि देखो जो 22 रुपए लीटर बन गया दुध का मुल, वो कदों बन गया जो 15 से 3 आप जोड़ते कि बन गया 18 लीटर, यद मतलब जो अपना 3 लीटर पानी से वह भी की हो गया 22 रुपए के हिसाब से बिक गया, तो देखो जो अपने को 3 लीटर 22 से 3 कि बन गया 18, अपन जो खरीदया खरीद मुल पता करना, खरीदया कि अभी आप 15 लीटर इनू कट्टा अपने को आंसर आऊगा, 3 से कट्टा कि आ गया 5, 3 से कट्टा कि आ गया 6, 6 की 22 ना गुणा करा 6 दूनी 12, 12 से 1 कि आ गया 13, कि बढ़ना गया 5 के नाल, 5 एकम 5, 5 दूनी कि आ गया 10, किन्ने बच गए 32, 8 5 6 5 30 आ गया, किन्ने बच गए 4, तो अपने को कि 26.40 आंसर आ रहेगा, जो कि अपने को बी वाला आंसर आप इस तरह कर। ठीक है जी, उस तो बाद आप अगले सवाल की गल करते हैं। देखो क्रिकेट दे विच की आ 10 मैच खेडे ने, तो वो जी औसत अपने को मीन की होंगे औसत, जी औसत कि 60 की है जी। ठीक है, हम देखो औसत का मतलब की अपने को औसत है जी, औसत कि दिती हुई आ 60 की, औसत कि अपने को 60 की। ठीक है, औसत का मतलब यह आ कि जाए किसी ने घट नंबर बनाए ने किसी ने वध बनाए ने, उन्होंने आप अगर वंडीए तो हरेक नूं किन्ने किन्ने आउणगे जी 60-60 आउणगे। ठीक है, उस तो बाद की कहिंदा जिहड़ा 11वां मैच चलेगा, देखो अगला मैच आ गया कहना 11th, 11वां मैच आ जिहड़ा इहदे विच जिहड़ी औसत आ उह किन्नी बन गई 62 बन गई, पहला किन्नी सी 60, हुण देखो जिहड़े 11वां उहने 62 दा नंबर लैती होणगे, पर की होयागा कि औसत वधाउणी आ तां सारे नूं नंबर 2-2 देने भी पैणगे, जे औसत घटदी हुंदी तां सारे नूं मिलदे सी, जिहड़े पिछले 10 मैच पए आ उहनां नूं भी हरेक नूं किन्ने किन्ने मिलणगे 2-2, किन्ने मैच ने 10, तां 20 होर देने पैणगे, तां आपां नूं 62 नंबर तां उहने 11वें मैच बनाउणे आ, 20 नंबर उहने जिहड़े पिछले रहिंदे आ उहनां नूं भी देने आ, तां उहनूं किन्ने नंबर बनाउणे पैणगे जी 82 नंबर, तां आंसर किन्ना आऊगा 82, डी वाला अपने कोल आंसर आऊगा, आप इस तरह सवाल नूं करांगे। ठीक है जी, उस तो बाद आप अगले सवाल की गल करते हैं। अगला देखो जी अपने को सिंपलीफिकेशन का सवाल है जी, किस तरह करांगे अपने को
ਕਹਿੰਦੇ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ 32% ਆਫ 3/8 ਆਫ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜੀ 5000 ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਾ ਬਟਾ ਆਪਾਂ 100 ਲਾਉਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਸੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਬਟਾ ਕਿੰਨਾ ਲਾਉਣਾ 100, ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗੁਣਾ, 3/8 ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਣਾ ਜੀ 8, ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਗੁਣਾ। ਬਸ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ, 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਕੱਟਤੀਆਂ, 8 × 32 ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 12, 12 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, 12 ਪਾਇਆ 60 ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ 0, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 600 ਆਊਗਾ। ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 600 ਆਊਗਾ, 12 ਪਾਇਆ 60 ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ 0, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 600। ਡੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਰਤੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਉਹ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਗਾ, ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੀ, 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਆ। 3 ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਇੱਕ 6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ 3 ਬਣਨੀਆਂ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਗੁਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ 18 ਦਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ 18 ਦਿਨ। ਪਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੂਗਾ 3 ਗੁਣਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ 18 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ 18 ਦਿਨ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, 8 ਘੰਟੇ ਡੇਲੀ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਰਦਾ ਜੀ, 8 ਘੰਟੇ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ 8 ਘੰਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਨੂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਬੁੱਕ ਕਿੰਨੇ 18 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਦੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗਾ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ 18 ਦਿਨ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲਾ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਕੰਮ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ D1 ਗੁਣਾ H1 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, D2 ਗੁਣਾ H2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 12 ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 12 ਨੂੰ, ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ 6 ਅਤੇ 3 ਆ ਗਿਆ, 6 ਅਤੇ 2 ਆ ਗਿਆ, 6 ਅਤੇ 3 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 4 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ 12, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਉਹਨੂੰ, 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਏ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੁੰਦਾ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੀ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਆਪਣਾ ਕਿਊ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਆ 3:4 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਊਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਲਟਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 4:3 ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ 4:3, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, ਡੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ, ਡੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗਾ ਟਾਈਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਹਰੇਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਪੇਪਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਗਾ। ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, 20% ਲਾਭ 'ਤੇ ਵੇਚਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਲਾਭ 'ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, 20% ਲਾਭ 'ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 20% ਲਾਭ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਕੇਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ 20% ਗਲਤ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚਦਾ ਮੈਂ, 120 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 20% ਲਾਭ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਕੇਲ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਕਿੰਨੀ 20% ਗਲਤ ਆ, ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, 80 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ, ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, 80 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 20% ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, 120, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, 40 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਲਾਭ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 40 ਦਾ, ਰੁਪਈਏ ਕਿੰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, 80, ਗੁਣਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ 100, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ 0 ਦੇ ਨਾਲ 0 ਕੱਟਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 50%,
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 50%। ਕੀ ਹੋਣਾ? ਲਾਭ ਹੀ ਹੋਣਾ ਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ? ਲਾਭ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਦੇਣੀ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਲੈਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਲਾਭ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ? ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੀ, 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ 3 ਸਾਲ, ਸਮਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ। 3 ਸਾਲਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਆ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰਕ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ? 31 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲੱਗਦਾ, ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ? 31 ਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 10%, 10% 10% ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਨੂੰ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ 1/10 ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ? 1/10 ਬਣ ਗਿਆ। ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 10% ਦਾ 1/10। 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਊਬ ਮੰਨਣੀ, 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ 10 ਦੀ ਕਿਊਬ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? 1000। ਆਪਾਂ ਮੂਲਧਨ ਮੰਨੀਏ ਜੀ, ਆਪਣਾ 1000 ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਮੂਲਧਨ? ਆਪਣਾ 1000 ਸੀ। 10% ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? 100 ਰੁਪਇਆ। 10% ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 100 ਰੁਪਇਆ। 10% ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? 100 ਰੁਪਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 10% ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 100 ਰੁਪਇਆ। 10% ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 100 ਰੁਪਇਆ। 10% ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 100। ਇਹ 'ਤੇ 10% ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 10। ਇਹਦਾ 10% ਦੇਖੋ 10, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਵੀ 10% ਮਿਲਣਾ 10, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ? 10% ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਆ ਉਹਦਾ ਅੰਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਹ ਟੋਟਲ ਕੀ ਆਪਣੇ? ਦੇਖੋ ਆਹ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵੀ 100, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵੀ 100, ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਵੀ 100। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲੱਗਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਗਾ? 10 'ਤੇ 10, 20 'ਤੇ 30, 'ਤੇ 31। 31 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ? 31 ਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? 31। 31 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਜੀ? 31 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 31 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਜੀ? 31 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। 1 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ ਜੀ? ਆਪਣਾ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਮੂਲਧਨ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ? 1000। ਅਗਰ ਆਪਣਾ 1 ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਤਾਂ 1000 ਪਾਰਟ ਕਿਹਦੇ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਜੀ? 1000 ਰੁਪਇਆ ਆਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲਧਨ ਆਪਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਜੀ? 1000 ਰੁਪਇਆ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੇਸਿਕ ਕੰਸੈਪਟ ਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲੱਗਦਾ ਗਾ। ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ? 300 ਬਣੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਆ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲੱਗੂਗਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ, ਫਿਰ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ 10% ਦਾ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ। ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 31 ਇੱਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ, 31 ਦੇ ਬਰਾਬਰ, 1 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ? 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਆਪਾਂ ਮੂਲਧਨ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜੀ? 1000, ਤਾਂ 1000 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ? ਗੁਣਾ 1 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? 1000 ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤੇ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਾਂ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 5000। ਇਹ ਵੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਆ 2.5 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਗਏ ਜੀ? ਵਿਆਜ 2.5 ਰੁਪਏ। ਆਪਾਂ 2 ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜੀ? 2.5 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ 2.5 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਹੋਊਗੀ, ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਸੇਮ ਆ, ਤਾਂ ਫਰਕ ਕਾਹਦੇ ਪੈ ਗਿਆ? ਦਰ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਮਿਲਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਜੀ? 2.5 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? 2.5/2 ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਜੀ? ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? 1.25 ਰੁਪਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ? 1.25 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦਰ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਦਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਾਂ ਮੂਲਧਨ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਮੂਲਧਨ ਗੁਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਪਾਂ 100 ਗੁਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਪਾਂ 100। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? 1.25 ਰੁਪਇਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲਧਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਜੀ? 500 ਗੁਣਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ 100 ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, 2 ਜ਼ੀਰੋ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਟਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? 100 ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 125
बटा किन्ना आ गया जी, 5 गुणा 100, 5 नू 1 पाया 5, 2 5 10, किन्ने बच गए, 2 5 5 किन्ना गया, 25। देखो 25 नू कैंसल करा तो 1/4 आ, 1/4 नू आपां किन्ना कह सकते हैं, देखो 1/4 ता किन्ना कह सकते, अपने कोल पॉइंट लाया तो किन्नी बन गई 0, किन्ना आ गया 2, किन्ना आ गया जी 8, किन्ना बन गया 20, तो किन्ना आ गया जी पॉइंट, तो अपने कोल किन्ना 0.025 अपना बी वाला आंसर आऊगा। आप इस तरह सवाल जी करा सॉल्व करा, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि तुहानू अपना जिहड़ा सैशन वह वधिया लग्या होगा, जिहड़ा अपना यह सैशन है जिहड़ा आपां मैथ दे जिहड़े सम करदे आ, ये बिल्कुल आपां उस ही लैवल दे कर रहे हैं जिहड़ा आपां चंडीगढ़ कॉन्सटेबल का पेपर आऊगा। ये आपां अगर तुसीं इहनू वध तों वध शेयर करो तो वीडियो नू वध तों वध देखो, अगर तुसीं इहदे नाल की हो जिहड़ी तुहाडी तैयारी आ उह बहुत बूस्टअप होगी, तो वीडियो देखने लई थैंक यू।